कल रात को देखने को मिला जब सीरीज ऑफ स्नैचिंग सबसे पहले मलकाजगिरी में एक बैग स्नैचिंग हुआ उसके बाद लालागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मोबाइल स्नैचिंग हुआ और नलकुंटा में भी एक मोबाइल स्नैचिंग हुआ और सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन नलकुंटा पुलिस स्टेशन में ही आया उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी स्नैचिंग हुआ ये पूरे एक्टिविटीज़ के समय हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स जो नाइट शिफ्ट पर थे उस समय डायल 100 कॉल के बाद जो मूवमेंट होता है जो ड्रिल होता है उस अलर्टनेस के बाद अपनी कार्रवाई में सब लोग लगे हुए थे और उसी समय हमारे हैदराबाद के तीन यंग जो आपके सामने बैठे हुए हैं सिविलियन धीरज कुमार श्रीकांत और बीवी प्रमोद ये तीनों बहुत बहादुरी के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और बहुत ही एक अलर्ट रिस्पॉन्स लेन टू लेन चेस करके बाई लेन में चेस करके ये लोग सब मिलकर स्नैचिंग ऑफेंडर्स को पकड़े इस ग्रुप में एक माइनर भी है और पहले भी ये लोग कुछ ऑफेंसेस किए हैं तो ऐसे मौके पे आज मीडिया के तरफ से हैदराबाद के पब्लिक को मैं एक ये एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो पुलिस पब्लिक का जो पार्टनरशिप है जो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉइंट कलेक्टिव एक्शन का एक माहौल है इससे हम लोग बहुत सारे क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत सारे क्राइम जो हो चुके हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं अभी धीरज और श्रीकांत और बीबी प्रसाद से बात करने पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस और सिविलियन में कोई फर्क नहीं है पुलिस और सिविलियन में केवल फर्क है कि पुलिस वाले खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं और सिविलियन वाले सिविलियन यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम का सवाल है हम लोग का मकसद एक है हम लोग का एफर्ट एक है और हम लोग एक टीम के तरह से मिलकर इस तरीके से क्राइम को प्रिवेंट करेंगे और उसको डिटेक्ट भी करेंगे ऐसे मौके पे आप लोगों को एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कल रात में न्यूयॉर्क की एक कंपनी है मर्सर ये मर्सर दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे कंडक्ट करने वाली कंपनियों में से एक है और पिछले 10 साल से हर साल दुनिया के 230 बड़े बड़े शहरों का सर्वे करती है ये कंपनी और इस सर्वे में 2019 का जो लिस्ट आया है उसके हिसाब से हैदराबाद इंडिया का बेस्ट लिवेबल सिटी माना गया है उसको और सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में चेन्नई के बाद नंबर 2 पोजीशन हैदराबाद को मिला है तो इसके लिए भी इस खिताब से जो हैदराबाद को नवाजा गया है इसके लिए मैं इन तरह के जो हमारे यूथ आइकॉन हैं धीरज कुमार श्रीकांत और बीवी प्रमोद इस तरह के लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में ये जो कम्युनिटी पार्टनरशिप है इसको हम लोग और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और ख़ास करके ऐसे लोग जो माइनर जो किसी गलत संगति के कारण बैड कंपनी के कारण गलत हैबिट्स के कारण क्रिमिनल्स के साथ जाते हैं और क्राइम करते हैं उनको भी कैसे प्रिवेंट किया जाए इसमें भी कम्युनिटी पब्लिक का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है नेबरहुड के बच्चे क्या कर रहे हैं ये जिम्मेदारी वहाँ के सभी पेरेंट्स की है बाजू में थोड़ा नज़र रखें कि क्या हो रहा है और जहाँ कहीं भी कुछ डाउट का चीज़ हो पुलिस लोकल हमारे सेक्टर SIs पेट्रोल कार ऑफिसर्स ब्लू कोल्ट ऑफिसर्स हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स सबको या नहीं तो सबसे जो हमारा पक्का सिस्टम है डायल 100 करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग सब मिलकर हैदराबाद को और भी सेफ सिक्योर और हैप्पी शहर बनाएंगे थैंक यू अभी तो नहीं है ना हाँ अभी डिटेल इंक्वायरी चल रही है ये तो आप कल रात का इंसिडेंट है एज ऑन नाउ तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है वैसा